आफ्टरनून, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वट एवर यू आर कनेक्टेड विद। आज हम आपके प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपका जो सब्जेक्ट है उसमें एक आपका एक पूरी यूनिट है वो अच्छे से दिया है, उसका नाम है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो आज हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इससे आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो अच्छे से पूरे समझना कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपने समझ ही लिया होगा, ठीक है। अब आप उसके क्वेश्चन देखो, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसका कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज करो, और इस एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने का एक कहते हैं मूल मंत्र है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अगर स्पीड ज़्यादा लगे तो यूट्यूब से कम कर सकते हो, ऊपर ऑप्शन होता है। बाकी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी क्योंकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यानी कि फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूलेशन होगा, तो पहला एम्पलीट्यूड रिमेंस कांस्टेंट, कैरियर होता है उसका एम्पलीट्यूड सेम रहता है। हमने आपको बताया था जब भी कोई मॉड्यूलेशन होता है तो जो चेंज होता है मॉड्यूलेशन होता है वो किस पे होता है? कैरियर पे, ठीक है। जो मैसेज सिग्नल होता है उस पे नहीं होता है, किस पे होता है? कैरियर पे मॉड्यूलेशन। अगर हम वैरी करेंगे, अगर एम्पलीट्यूड वैरी कर रहे हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तो भी कैरियर का करेंगे, फ्रीक्वेंसी वैरी कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में तो कैरियर पे कर, जो भी होता है कैरियर पे होता है। कहीं पे भी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लिखा हो कि वो वैरी करते तो वो गलत होगा, ठीक। तो फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, तो इसमें कि फ्रीक्वेंसी वैरी करेगी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, तो ये बात सही है क्योंकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तो है नहीं जो एम्पलीट्यूड चेंज हो। तो ए ऑप्शन आपका सही है। बी है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वैरीज अकॉर्डिंग विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, वो वैरी करती है। किसकी वैरी करती है? हम बहुत बार बता चुके हैं किसकी? कैरियर की, ठीक है। लेकिन वैरी किसके हिसाब से करती है? जो आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है उसके हिसाब से, वो वैरी कैरियर की ही करती है। तो आपका बी ऑप्शन भी सही है। नंबर ऑफ साइड बैंड्स आर इनफाइनाइट, जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है इसमें साइड बैंड्स इनफाइनाइट होती है, इनकी सी ऑप्शन भी आपका सही है, इनकी इसका क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैरियर स्विंग, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में एक टर्म जनरली देखने को मिलता है हमें कैरियर स्विंग। ये कैरियर स्विंग क्या होता है? इसे डेल्टा एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है, डेल ऑफ एफ से डिनोट करते हैं। कैरियर स्विंग जो होता है वो टोटल वेरिएशन होता है फ्रीक्वेंसी में फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि इसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में जो टोटल वेरिएशन होता है लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक उसको हम बोलते हैं कैरियर स्विंग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉबैक्स ऑफ डायरेक्ट मेथड फॉर जनरेशन ऑफ एफएम सिग्नल, देखो तो एफएम जो सिग्नल होता है, ठीक है, इसको जो जनरेट करने के दो मेथड हैं, एक तो आपका है डायरेक्ट मेथड और एक है आपका इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। जो डायरेक्ट मेथड है इसमें आता है VCO वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, और इनडायरेक्ट मेथड में जो मेथड आता है वो आता है आपका आर्मस्ट्रांग मेथड। तो ये तो एफएम के जनरेट करने के मेथड हैं। अब इसमें आपसे पूछा है ड्रॉबैक ऑफ डायरेक्ट मेथड, तो इधर जो डायरेक्ट मेथड है इसकी ड्रॉबैक क्या है? तो देखो जो डायरेक्ट मेथड होता है डज नॉट गिव हाई स्टेबिलिटी टू एफएम सिग्नल फ्रीक्वेंसी, ये जो डायरेक्ट मेथड है इसकी स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होती है, हाई स्टेबिलिटी नहीं देता, ये इसकी एक बड़ी ड्रॉबैक है। दूसरी ड्रॉबैक ये है कि डिस्टॉर्टेड एफएम सिग्नल इज जनरेटेड, डिस्टॉर्टेड एफएम आती है किसकी वजह से? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है उसकी हार्मोनिक्स की वजह से डिस्टॉर्टेड एफएम सिग्नल आती है। बी ऑप्शन भी सही है, यानी कि इसका आपसे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आर टू नॉट सूटेबल फॉर हाई पावर एफएम जनरेशन, नहीं, ये सूटेबल होती है हाई पावर जनरेशन के लिए, जो डायरेक्ट मेथड होता है ऑफ जनरेशन हाई पावर के लिए सूटेबल है, तो आपका इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एडवांटेज ऑफ यूजिंग डायरेक्ट मेथड फॉर जनरेटिंग एफएम सिग्नल, एफएम सिग्नल को जनरेट करने की सबसे बड़ी एडवांटेज यही होती है, अभी जो पीछे हमने बताया था, हाई पावर एफएम जनरेशन इज पॉसिबल, ठीक है, हाई पावर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वे हम जनरेट कर सकते हैं, जनरेशन पॉसिबल होता है, डिस्टॉर्शन फ्री नहीं मिलता क्योंकि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की वजह से हार्मोनिक्स की वजह से डिस्टॉर्शन आ जाता है, ठीक है, और स्टेबिलिटी भी नहीं हाई होती है, ठीक है, ये अभी पीछे डिस्कस किया था, तो इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग बैलेंस्ड स्लोप डिटेक्टर फॉर डीमॉड्यूलेटिंग ऑफ एफएम सिग्नल, अभी हमने आपको बताया था एफएम जनरेशन के लिए आप क्या यूज़ करते थे, दो मेथड, डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड में जो होता है आपका होता है वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर के यूज़ करके, और इनडायरेक्ट मेथड में आप यूज़ करते हो आर्मस्ट्रांग मेथड का। ये तो एफएम जनरेशन की बात थी, लेकिन जब हम ये कहें आपने एफएम को जनरेशन किया तो अब आप मॉड्यूलेट किया एफ एम मॉड्यूलेशन, अब आप डिमॉड्यूलेट भी तो करोगे, मतलब जो आपने मॉड्यूलेट किया उसको फिर रिसीवर पर डिटेक्ट करोगे, तो डिमॉड्यूलेशन के आपके एफ एम के जो मेथड होते हैं वो दो मेथड होते हैं आपके, ठीक है, एक तो होता है आपका
फ्रिक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड, ठीक है, फ्रिक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर मेथड, और दूसरा होता है आपका फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड, ठीक। अब जो फ्रिक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड होता है, इसके इसमें भी दो मेथड होते हैं, एक तो होता है आपका स्लोप डिटेक्टर, ठीक, कौन सा होता है, एक स्लोप डिटेक्टर होता है, और दूसरा होता है आपका बैलेंस स्लोप डिटेक्टर, ठीक है, बैलेंस्ड स्लोप डिटेक्टर। दो मेथड होते हैं आपके फ्रिक्वेंसी डिटेक्शन के, ठीक है, तो एक फ्रिक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन में दो होते हैं, एक स्लोप डिटेक्टर, एक बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। और जो फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड होता है, दो मेथड हमने बताए हैं, एक फ्रिक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन, एक फेज। जो फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड होता है, इसके तीन मेथड होते हैं डिटेक्ट करने के। एक पहला आपका होता है फोस्टर सीले डिटेक्टर, ये मैं आपको इसलिए बता दे रही हूँ बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए कि ये मेथड कौन सा है, ठीक है, ये FM डिटेक्शन का है, AM डिटेक्शन का है, कौन सा मेथड, तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए तो आप बता दोगे, ठीक है। तो फेज डिस्क्रिमिनेशन का एक होता है आपका फोस्टर सीले डिटेक्टर, दूसरा होता है रेशियो डिटेक्टर। जल्दी जल्दी बता दें, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, परेशान मत हो आप लोग। थर्ड होता है आपका PLL मेथड, थोड़ा बता देंगे तो दिमाग में भी रहेगा। PLL मेथड है, यही आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी डिटेक्शन का, और इसी को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, PLL मेथड को, ठीक है, फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड का एक टाइप है जिससे PLL मेथड, तो इसको सबसे ज़्यादा यूज करने का वजह जो है वो ये है, बाकी जो सब मेथड है इनमें बहुत हैवी ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, और PLL में हैवी ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए PLL को ही सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। अब देखो, हमने अभी आपको बताया था, अब इसमें पूछा डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग बैलेंस लूप डिटेक्टर, ने बताया था दो तरीके होते हैं, एक फ्रिक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड, दूसरा फेज डिस्क्रिमिनेशन। और फ्रिक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन में दो मेथड होते हैं, एक आपका होता है स्लोप डिटेक्टर और एक बैलेंस लूप डिटेक्टर। तो ये जो बैलेंस लूप डिटेक्टर है, इसकी डिसएडवांटेज पूछी है, तो इसकी जो डिसएडवांटेज ये होती है कि डिटेक्टर ऑपरेट्स ओनली फॉर ए स्मॉल डेविएशन इन फ्रिक्वेंसी, ठीक है, एक फ्रिक्वेंसी की कम रेंज में ऑपरेट करता है, ठीक है, स्मॉल डेविएशन में, और लो पास फिल्टर ऑफ द डिटेक्टर, लो डिटेक्टर पे लो पास फिल्टर की ज़रूरत पड़ती है जो प्रोड्यूस करता है आपके डिस्टॉर्शन डिटेक्शन में, ठीक है, जब डिटेक्ट करते हैं तो इस लो पास फिल्टर की वजह से डिस्टॉर्शन आ जाती है, ठीक। तो ये के दोनों ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेंसिटिविटी इज डिफाइंड है, सेंसिटिविटी क्या होती है, तो सेंसिटिविटी ये होती है कि जो रिसीवर की एबिलिटी होती है, मतलब रिसीवर की क्षमता होती है कि वो वीक सिग्नल को कितना एम्पलीफाई कर सकता है, ठीक है, वीक सिग्नल होगा उसे एम्पलीफाई कर देंगे तो वो स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक। दो टर्म होते हैं, एक सिलेक्टिविटी भी होता है, शायद एक बार कोई क्वेश्चन आपको करवा भी चुके हैं, जो सिलेक्टिविटी होता है वो ये होता है कि आपके पास बहुत सारे इनकमिंग सिग्नल आ रहे हैं, उनमें से आप जो डिजायर्ड सिग्नल है उसको सिलेक्ट करने की एबिलिटी होती है, ये भी रिसीवर की, कि रिसीवर जो वांटेड सिग्नल है उसको सिलेक्ट करने की एबिलिटी होती है, वो होती है सिलेक्टिविटी। और सेंसिटिविटी होती है कि वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करने की एबिलिटी, ये होती है आपकी सेंसिटिविटी। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, VCO जनरेट, ठीक है, VCO जनरेट, तो हमने आपको अभी बताए थे दो मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट FM डायरेक्ट मेथड, जो डायरेक्ट मेथड होता है वो VCO, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड में जो हम यूज़ करते हैं वो होता है आपका आर्मस्ट्रांग मेथड, ठीक। तो अब इसमें आपसे पूछा है VCO का जनरेट कर देते हैं, तो आपको क्या जाएगा, डायरेक्ट FM, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दो, अभी कर सकते हो, ठीक है, और जिसे भी आपको लगता है वीडियो से बेनिफिट है उसको शेयर करो, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए ये है कि टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, तो इसकी लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, तो आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना PDF के लिए, आपको उस ग्रुप पर सभी PDF आपकी मिल जाएंगी जो भी वीडियो यहाँ बनाया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी आपकी। बाकी एक और बात है कि अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि मैं आपकी लाइव क्लास भी ले सकूं। बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि लाइव क्लास लो, लेकिन लाइव क्लास में मेरी लिमिटेशंस है, क्योंकि जब लाइव क्लास तभी हो सकती है जब आपके 1000 सब्सक्राइबर हों, ठीक है, तो 1000 सब्सक्राइबर के बाद ही मैं आपकी लाइव क्लास ले सकती हूँ, यूट्यूब का ये नियम है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, तो लाइव क्लास का ऑप्शन आपके लिए ओपन हो सके, ठीक है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
द स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी इन एफएम रिसीवर। देखो स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी की हमने आपको एएम में बताई थी कितनी होती थी, 455 किलो वाट्स। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए यही टिक मत कर देना, देख लेना किसके लिए पूछिए, एएम या एफएम। अब एफएम के लिए पूछिए तो एफएम के लिए होती है 10.7 मेगा हर्ज, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एफएम। ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है एफएम का, ये म्यू से या फिर इसे बीटा से भी डिनोट करते हैं। ये आपका होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन डिवाइड बाय मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डिवीजन आपका होता है डेल एफ, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है आपकी एफएम। ठीक है, तो म्यू इक्वल टू या बीटा इक्वल टू होगा आपका डेल एफ अपॉन एफएम, इस फॉर्म में भी लिखा आ सकता है, ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी डिवीजन डिवाइड बाय मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एम्पलीट्यूड लिमिटर इन एफएम रिसीवर। एफएम रिसीवर में हम एम्पलीट्यूड लिमिटर क्यों यूज़ करते हैं, एम्पलीट्यूड लिमिटर लिखा है आगे, मतलब ये एम्पलीट्यूड को क्या लिमिट कर देते हैं। तो हम जब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है आपको, लेकिन उसके एम्पलीट्यूड में भी वेरिएशन हो रहा है, जबकि एफएम में क्या, हमें एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट चाहिए, फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन चाहिए, तो इस वजह से हम जो एम्पलीट्यूड वेरिएशंस होता है, ठीक है, ड्यू टू नॉइज़, उसको लिमिट करने के लिए यूज़ करते हैं एम्पलीट्यूड वेरिएशंस। ठीक है, एम्पलीट्यूड लिमिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एडवांटेजेस ऑफ एफएम ओवर एएम। एफएम के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, फ़ायदा है एएम के कंपैरिजन में। तो जो एम्पलीट्यूड होता है एफएम का वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड लिमिटर लगा कांस्टेंट कर लेते हैं। सो ट्रांसमिटेड पावर रिमेंस अनचेंज, जो पावर हम ट्रांसमिट करते हैं वो चेंज नहीं होती, यानी कि पावर जो होती है एफएम में कांस्टेंट होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, एफएम में पावर कांस्टेंट होती है। ठीक है, द डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन एफ एम कैन बी चेंज टू एनी वैल्यू वाइज चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी डिवीजन। ठीक है, ये बात भी सही है। तो सिग्नल इज नॉट डिस्टॉर्टेड, जो डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन है हम चेंज कर सकते हैं एनी वैल्यू वाइज चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी डिवीजन। ठीक है, यानी कि जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है या डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन है उसे हम फ्रीक्वेंसी वेरिएशन, क्योंकि बीटा इक्वल टू क्या होता है डेल्टा एफ अपॉन एफ एम, यानी कि डेल्टा एफ फ्रीक्वेंसी डिवीजन पर डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम आपका म्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो सिग्नल इज नॉट डिस्टॉर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है आपका ऑप्शन, देयर इज लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गार्ड बैंड। इसमें गार्ड बैंड होता है, इसकी वजह से इंटरफेरेंस कम हो जाती है। गार्ड बैंड मतलब एक, आप इस तरह से मान लो फिल इन द ब्लैंक्स होता है, जो मतलब एक स्पेस होता है, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं, आप ये मान लो स्पेस होता है जिसके जो सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इसकी तो इससे क्या होता है कि एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस कम हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके डी एंड के ऑल ऑफ द एवर मेंशन सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसएडवांटेज क्या है एफएम की। आपने इतनी सारी एडवांटेज देख ली, अब डिसएडवांटेज भी देख लो एफएम की। जो एफएम की डिसएडवांटेज क्या होती है, प्रोन टू सिलेक्टिव फीडिंग, ये भी इसकी डिसएडवांटेज है। इसमें कैप्चर इफेक्ट आता है, ये डिटेल में अगर कभी होगा तो कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। पुअर सिग्नल टू नॉइज रेशियो इट हाई ऑडियो फ्रीक्वेंसी, हाई ऑडियो फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल टू नॉइज रेशियो आपका कम हो जाता है। अभी हम प्री एम्फेसिस डी एम्फेसिस बताएंगे तभी ये आपको चीज़ बताएंगे, तो इसका डी यानी कि डी और सभी चीज़ें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्री एम्फेसिस इज डन इन एफएम। प्री एम्फेसिस कहाँ की जाती है एफएम में, ठीक है, या क्यों की जाती है, फॉर बूस्टिंग और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वोल्टेज। ठीक है, सिग्नल वोल्टेज को मॉड्यूलेट करने के लिए, फॉर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एट हायर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इन एफएम बिफोर मॉड्यूलेशन, या फिर ऑल ऑफ द एवर मेंशन। ठीक है, अब ये देखो, ये आपका कोई एनर्जी स्पेक्ट्रल सिग्नल हुआ, हम आपको बताते हैं प्री एम्फेसिस क्यों करते हैं और डी एम्फेसिस क्या होता है। ये जैसे आपका सिग्नल है, ठीक, अब आप इधर देखो, जैसे ये यहाँ जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो प्री एम्फेसिस से हम क्या करते हैं, सिग्नल को बूस्टअप कर देते हैं। ठीक है, बूस्टअप कर देते हैं जिससे कि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए और हमें सिग्नल टू नॉइज रेशियो अच्छा मिलने लगे। अगर सिग्नल टू नॉइज रेशियो 1 से कम हो गया, यानी कि तो नॉइज ज़्यादा होगी, सिग्नल अच्छा नहीं होगा। प्री एम्फेसिस होती है वो आपके सिग्नल को बूस्ट करने के लिए यूज होती है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी पे करनी होती है, एफएम बिफोर मॉड्यूलेशन। देखो जो प्री एम्फेसिस होती है, ठीक है, आपने हमने बताया जो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है ये वीक होने लगे, तो इनको बूस्टअप करने के लिए मतलब इनकी आर्टिफिशियली हम इनकी स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं।
थी, लेकिन हमने दर स्ट्रेंथ बढ़ा दी। कब करते हैं? मॉड्यूलेशन से पहले ही वर्क कर देते हैं, ठीक, प्री एम्फेसिस। अब जब मॉड्यूलेट हुआ ये सिग्नल रिसीवर पे पहुंचा, तो जो हमने बढ़ाई थी स्ट्रेंथ, ठीक है, इसको हमें फिर से वापस वहीं लानी होती है, तभी तो हमें ओरिजिनल सिग्नल मिलेगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी एम्फेसिस, ठीक है। तो जो प्री एम्फेसिस हमने मॉड्यूलेशन से पहले की, और डी एम्फेसिस कब हुई? डी एम्फेसिस मॉड्यूलेशन के बाद, यानी पहले मॉड्यूलेशन हो गया, पहले प्री एम्फेसिस की, फिर मॉड्यूलेशन हो गया, फिर डी एम्फेसिस हुई। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव मेंशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डी एम्फेसिस इज डन इन एफएम सिग्नल, ठीक है। डी एम्फेसिस एफएम सिग्नल में कब होती है? फॉर रिस्टोरिंग ऑफ ओरिजिनल सिग्नल पावर, हमने बताया था कि ओरिजिनल सिग्नल पावर को रिस्टोर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो हमने सिग्नल को बूस्ट कर दिया है, लेकिन हमें ओरिजिनल चाहिए, तो क्योंकि ये अब हमें ओरिजिनल चाहिए, ये वाला हमारा सिग्नल था लो था, हमने इसको बूस्ट कर दिया, तो ये भी ऐसा हो गया ना, ठीक है, जितना हमने बूस्ट कर दिया, तो हमें फिर से बैक ओरिजिनल सिग्नल चाहिए, तो यहाँ से ये इसकी स्ट्रेंथ कम करनी पड़ेगी, तो ये डी एम्फेसिस करते हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही है। एट द डिटेक्टर आउटपुट ऑफ द रिसीवर पे करते हैं, ठीक है, डिटेक्टर आउटपुट पे, एज द इज द इनवर्स ऑफ प्री एम्फेसिस का इनवर्स है, क्योंकि इसमें सिग्नल की स्ट्रेंथ को हम बढ़ाते हैं और इसे फिर से कम करते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव सब सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्री एम्फेसिस इज डन बिफोर मॉड्यूलेशन, बिफोर ट्रांसमिशन, ठीक है, हमने आपको पहले ही बता दिया, पहले प्री एम्फेसिस करते हैं, फिर मॉड्यूलेशन होता है, उसके बाद आपकी होती है डी एम्फेसिस, ठीक है, ओरिजिनल सिग्नल पाने के लिए। तो प्री एम्फेसिस क्या होता है? बिफोर मॉड्यूलेशन, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड यूज फॉर द जनरेशन ऑफ, हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, डायरेक्ट मेथड VCO यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड। इनडायरेक्ट FM के जनरेशन के लिए हम आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड यूज़ करते हैं, और डायरेक्ट FM के जनरेशन के लिए हम VCO मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। VCO होता है वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। तो इसका आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड किसी के अंदर इनडायरेक्ट FM, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दो बेटो, शेयर कर दो, ठीक है। पहली बार देख रहे हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवा दो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू कार्सन्स रूल विच इज़ ट्रू, ठीक है, कार्सन रूल जो होता है आपका, ये आपको बैंडविथ बताते हैं, बैंडविथ का फॉर्मूला देता है कि आप कैसे सिस्टम की बैंडविथ, FM की बैंडविथ कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसमें मान लिया B बैंडविथ है और FM मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी दी है, तो बैंडविथ इक्वल टू होता है आपका ट्वाइस ऑफ डेल्टा F, क्या होता है आपका फ्रीक्वेंसी डेविएशन प्लस FM, यानी कि मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी इन हर्ज, ठीक। एक तो ये ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये यहाँ तक हो गया। बाई चांस आपके ऑप्शन में इस तरह से भी पूछ लें, तो ध्यान रखना, टू मान लो इसमें से FM कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया, डेल्टा FM मतलब बाहर लिया है, तो इसमें FM से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। FM से डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा, तो डेल्टा F अपॉन FM क्या होता है, बीटा MU, हमने पहले ही बताया था। तो इसका एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2FM ब्रैकेट में बीटा प्लस 1, ठीक है। बैंडविड्थ का एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2FM मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी और 1 प्लस बीटा या म्यू मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ये इस फॉर्म में भी लिखा हो सकता है ऑप्शन में, ठीक। तो ध्यान रखना ये दोनों ही सही है, ये इसका आपका कौन सा, ए ऑप्शन सही हो गया। देख ए ऑप्शन सही हो चुका है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फेज लॉक लूप PLL कैसे यूज किया जाता है, हमने आपको बताया था FM डिटेक्ट करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, डिमोड्यूलेट करने के हमने बताए थे दो मेथड होते हैं आपके, फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड और फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड। फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड के हमने आपको दो मेथड बताए थे, एक होता है आपका स्लोप डिटेक्टर और एक होता है बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। और फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड के हमने तीन मेथड बताए थे आपको, एक बताया था आपको फोस्टर सीले डिटेक्टर होता है आपका, एक होता है आपका रेशियो डिटेक्टर और एक होता है आपका PLL मेथड। हमने बताया था आपका यही सबसे ज़्यादा यूज होता है, इसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे PLL से। तो ये PLL क्या होता है, FM डिमोड्यूलेटर, ये FM डिमोड्यूलेटर के मेथड हैं। तो ये आपका ए ऑप्शन आपका सही हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनक्रीज और डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी अराउंड द कैरियर फ्रीक्वेंसी इज नोन एज, पहले हम आपको बता चुके हैं, ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी डेविएशन, यानी कि डेल्टा F, यानी कि बी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्सन रूल इज यूज टू फाइंड, हमने आपको बताया था कार्सन रूल क्या बताता है, देता है आपको बैंडविड्थ, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है बैंडविड्थ फाइंड करने का, बैंडविड्थ इक्वल टू टू डेल एफ प्लस एफ एम, ठीक है, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं टू एफ एम वन प्लस मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो कार्सन रूल आपको क्या देता है, बैंडविड्थ, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्ड बैंड्स इन एफएम सिग्नल, जो गार्ड बैंड्स होते हैं इन एफएम सिग्नल में वो क्या करते हैं, प्रिवेंट इंटरफेरेंस फ्रॉम एडजेसेंट चैनल, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, इसी के लिए गार्ड बैंड यूज किए जाते हैं कि आसपास के चैनल से कोई इंटरफेरेंस ना आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नैरो बैंड कैरेक्टरिस्टिक्स, नैरो बैंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एफएम दो तरह का होता है आपका, एक होता है नैरो बैंड एफएम, नैरो बैंड एफएम, और एक होता है आपका वाइड बैंड एफएम। जो नैरो बैंड एफएम होता है इसका जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है म्यू या बीटा आप कह सकते हो लेस देन वन होता है, ठीक है, और जो वाइड बैंड एफएम उसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स ग्रेटर देन वन होता है। जो नैरो बैंड की प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक होती है, इनकी फ्रिक्वेंसी सेंसिटिविटी कम होती है, बैंडविड्थ कम होती है, दोनों सही है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइड बैंड एफएम कैरेक्टरिस्टिक की नैरो बैंड के अपोजिट होती है, फ्रीक्वेंसी या सेंसिटिविटी इसकी ज़्यादा होती है और बैंडविड्थ ज़्यादा होती है, इनकी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एफएम सिग्नल इज़ बेटर देन एएम सिग्नल, एफएम एएम से बेहतर है क्यों, क्योंकि लेस इम्यून टू नॉइस, ठीक है, एफएम में नॉइस कम होती है, ये आप भी जानते हो, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग दूरदर्शन इस पे ज़्यादा वो आपका नहीं नॉइस सहन कर सकते हो, उसमें समाचार में आप नॉइज आ जाए कोई दिक्कत नहीं होगी, जब लेकिन जब आप गाने सुन रहे हो ना एफएम पे, अगर उस टाइम में नॉइज आ जाए, आप लीड लगा गाने सुन रहे हो उसमें बीच में नॉइज आ रही है तो वो आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो एफएम लेस इम्यून टू नॉइज, लेस एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस, ठीक है, एम्पलीट्यूड लिमिटर्स आर यूज्ड टू अवॉइड एम्पलीट्यूड वेरिएशन, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो डी ऑल ऑफ द अबव सभी सही, डी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एफएम इज डिसएडवांटेज ओवर एएम सिग्नल, एफएम की डिसएडवांटेज क्यों होती है एएम के कंपेयर में, क्योंकि मच वाइडर चैनल बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड, सही है, एफएम सिस्टम आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टलियर, एफएम ज़्यादा कॉस्टलियर होता है, ये बात भी सही है, ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ वाइड बैंड एफएम, हम आपको बता चुके हैं नैरो बैंड एफएम की जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू या फिर आप बीटा जो भी बोलो लेस देन वन होती है, और जबकि वाइड बैंड एफएम की जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होती है ग्रेटर देन वन होती है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसमिटेड पावर इन एफएम सिस्टम, ठीक है, ट्रांसमिटेड पावर होती है जो एफएम सिस्टम है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं जो एफएम सिस्टम होता है उसमें ट्रांसमिटेड पावर जो होती है आपकी हमेशा कॉन्स्टेंट होती है, ऑलवेज कॉन्स्टेंट, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ध्यान रखना एफएम में जो पावर होती है ऑलवेज कॉन्स्टेंट होती है। ये आज के क्वेश्चन हुए, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताओ, ठीक है, लाइक डिसलाइक जो भी करना है कर दो, ठीक है, शेयर सब्सक्राइब।